मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, ग्राम पोस्ट बिसौली, थाना चंदौली, जिला चंदौली। मैं हाई स्कूल परीक्षा 1964 में चंदौली से उत्तीर्ण होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PUC, प्री मेडिकल, BSc और लॉ किया। 1973 में मैंने काशी हिंदू विद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद मैं गांव में आकर थोड़ी जमीन थी, खेती करना शुरू कर दिया और खेती में काफ़ी प्रगति किया। हमारे मित्र रमेश सिंह हैं और चचेरे भाई भी रहते हैं, उनके हम लोग मिल करके गांव में खेती का बहुत काफ़ी विकास किए और काफ़ी लोग खेती में जुट गए, पढ़े लिखे सब लोग हमें पास रखे थे, लेकिन सब लोग जो खेती में आकर के खेती के कार्य में लग गए, साथ साथ समाज सेवा का कार्य भी सब लोग करते रहे। रमेश जी हो समाज सेवा के नहीं, समाज वो मास्टर सोशल डिग्री से दिए हैं। तो रमेश जी के यहाँ हम रोज जाते हैं, गांव में हमेशा विकास का कार्य, सेवा का कार्य, गांव में स्वच्छता अभियान हमेशा हर दिन 24 घंटे चलता रहता है, जब हर प्रतिदिन सेवा कार्य चलता रहता है। और जो है नवगढ़ में हमारे मित्र का मानव सेवा केंद्र है, वहाँ भी सहयोग से सारा कार्य जो है चलता है। ग्रामीण जीवन हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा है, माहौल अच्छा है, पूरा गांव एक परिवार के रूप में रहता है, किसी कोई दुराव नहीं, कोई मुकदमेबाजी नहीं, किसी ढंग का कोई हमारे गांव में किसी से कोई मुकदमेबाजी ही नहीं है। हमारा गांव रिकॉर्ड है, सब जाति हमारे गांव रहती है, ऐसी कोई जात नहीं जो हमारे गांव में रहती है। तो हम गांव में रह करके हम किसान थे, किसान मित्र भी हम चुना हुआ था, किसान मित्र रहे और देश के बहुत लोग क्षेत्रों में जा कर के हम भ्रमण किए हैं और किसान मित्र के रूप में काफ़ी हम जो है जगह जगह जा कर के हैदराबाद गए थे, वहाँ जो है पूसा इंस्टीट्यूट वहाँ भी गए थे, मतलब नाना चंडीगढ़ पूरे देश में हम जो है पूरा अपने स्टूडेंट लाइफ में भी अब जा कर के पूरा देश घूम चुके हैं और किसान कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है, सबके बारे में हम अनुभव कर लिए हैं। और आज भी मैं घर में रहता हूँ, अब तो बुजुर्ग हो गया हूँ, चलने फिरने बस होता है, लेकिन खेती का कार्य वैसे ही चल रहा है, बच्चे अपना खेती काम संभाल रहे हैं और हमको गांव में रह करके बड़ी प्रसन्नता है और ग्रामीण जीवन बहुत सुखमय है। और यहाँ जो है बगल के गाँव, आप शहर में कोई बगल वाला जाने का नहीं, यहाँ पूरा गांव एक साथ रहता है, एक परिवार रहता है और हमको गांव में रहकर बहुत आनंद आता है।